Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus.
खुदावंत के नाम की तारीफ हो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सच में हमारे खुदावंत बहुत महान है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हालेलुया बोल सकते हैं? आमेन। वचन में लिखा हुआ है खुदावंत की नजदीकों में एक आनंद की भरपूरी होती है। हालेलुया। मैं चाहूंगा अपने प्रिय अजीज भाई पास्टर इंदल जी से कि वो आए और छोटी सी दुआ के साथ इस सभा को शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम होंगे खुदावंद ने कल अपने कलाम से हम सबकी मदद करी और हम एक कदम और खुदावंद के वचन में विश्वास में आगे बढ़ने पाए। प्रभु की तारीफ हो। क्या आप आमीन कहेंगे? खुदा का धन्यवाद हो खुदावंत के महान प्रेम के लिए। आप और मैं आज तक जीवित हैं, यह खुदा का रहम है और इस समय हम एक विशेष जगह पर हैं और जिसे खुदा का भवन कहते हैं और प्रभु की नजदीकियों में आके आनंद की भरपूरी हुआ करती है। जहां दो या तीन मेरे नाम को लेते हैं वहां मैं मौजूद होता हूं। क्या विश्वास करते हैं खुदावंद यहां पे मौजूद हैं? आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरी बहन मेरे भाई, हम सबको खुदावंद से सबसे ज्यादा प्यार करना चाहिए। खुदावंद से प्यार करना इस इंसान को सबसे ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, अपने परिवार अपने बच्चों से ज्यादा खुदा से प्यार करने की जरूरत है। क्या आप आमीन कहेंगे? खुदा ने मुझसे आपसे सबसे ज्यादा प्रेम किया है, सबसे ज्यादा प्रेम किया खुदावंद ने। क्या आप आमीन कहेंगे? क्या ये बात सही है? तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुमको चुना है। हम तो पड़े थे गंदगी में, हम तो पड़े थे उन बेकार की जगह मिस्र में, लेकिन महान वो खुदावंद यीशु मसीह का, उन्होंने अपने हाथ को बढ़ाया और मुझे आपको सबको खींच लिया। किसी को सेवा के लिए, किसी को दुआ के लिए, किसी को और तमाम कामों के लिए, किसी को गीतों के लिए। बोले हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, और आज हमारे पास एक शांति है, आज हमारे पास एक सुकून है, आज हमारे पास एक तसल्ली है, आज हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह है, आज हमारे पास एक नबी है। आमीन, हालेलुया। सो आइए अपने सरों को झुकाएं और अपने होंठों को जरूर खुदावंद के लिए खोलें और दुआ में चलें। धन्यवाद देते हैं महान खुदावंद आपके महान प्रेम और बड़ी दया के लिए। शुक्र करते हैं प्रभु जी आपकी तमाम आशीषों के लिए। प्रभु जी आपने हम सभी की जाने कितनी बार मदद और सहायता की। खुदावंद हमारे दुखों में, हमारे सुखों में आप हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सफर में, हमारे घरों में प्रभु खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं। जब संकट परेशानी आई खुदावंद, तब आपके वचन में लिखा है मैं यहोवा हूं जो संकट में आसानी से मिलता हूं। खुदावंद जाने कितनी बार हमने आपकी मौजूदगी को महसूस किया। शुक्र करते हैं प्रभु जी आपके बड़े रहम के लिए। प्रभु जी आपके दास के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद आपने हम सब की मुलाकात उनसे कराई, प्रभु जी आप उनको ब्लेस करें और खुदावंद उनके संदेशों के द्वारा वो खुदावंद रूहें आशीष को पाती हैं। धन्यवाद खुदावंद आपके हाथों में पास्टर जी को देते हैं। खुदावंद अपना रहम करें प्रभु जी, उनको हम सब के लिए इस्तेमाल करें। और खुदावंद आप करते हैं प्रभु जी, हम आपका शुक्र करते हैं। भाई निश्चल जी के लिए दुआ करते हैं। प्रभु
वो ट्रांसलेट करते हैं और बखूबी अच्छी तरीके से समझाने का हुनर खुदा आपने उनको दिया है। हम आपका शुक्र करते हैं। और तमाम हमारे भाई जो यहाँ आए हैं, जो गाने से बजाने से जो आपकी सेवा करते हैं खुदाबंद, आप इन सभी को बड़ी आशीषें दें। चर्च के बहन भाइयों को आशीष दें, जो बच्चे चर्च में काम करते हैं जवान, खुदाबंद आप उनको भी आशीषित करें। खुदाबंद मेरे ऊपर भी आपकी दया की दृष्टि बनी रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके बड़े रहम और आपकी दया के लिए। सभी बहन भाइयों को आपके हाथों में देता हूं खुदाबंद, और आपका रहम चाहता हूं प्रभु जी, अपने अनुग्रह और अपनी दया की दृष्टि को बनाए रखे। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। ओह धन्यवाद देते हैं। आइए अपने होठों को खोलें, हाथों को उठाएं, शाम की भेंटें चढ़ाएं खुदावंत को। प्रभु हम आपका शुक्र करते हैं आज की शाम के लिए। ओ हालेलुया, तारीफ हो महान खुदावंत, ऊंचे स्वर से खुदावंत की तारीफ करें। ओ हालेलुया, शुक्र करते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग को आपके हाथों में देते हैं खुदावंत, आप ही इसको चलाएं और खुदावंत आपकी ही मर्जी यहां पर पूरी होने पाए। किसी भी मनुष्य की नहीं, किसी की भी नहीं खुदावंत, केवल आप ही महिमा और आदर के योग्य हैं। इसलिए पूरा आदर मान सम्मान खुदावंत हम आपको देते हैं और चाहते हैं खुदावंत आप हमारे बीच में चलते फिरते हुए नजर आए। तहे दिल से धन्यवाद खुदावंत, पूरा सम्मान आपको देते हैं। और ये प्रार्थना प्रभु येसु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होकर मांगते हैं प्यारे खुदावंत। दुआ को सुने कबूल, दुआ को सुने और कबूल करें। आमीन। बोलो प्रभु येसु मसीह की। और मैं भाई शिमोन को दूंगा, बैठ सकते हैं आप लोग, बैठ सकते हैं। खुदावंत के नाम की तारीफ हो। बोलो प्रभु येसु मसीह की। सच में हमारे खुदावंत बहुत महान है। क्या आप खुश हैं? क्या आप आनंदित हैं? एक गीत गाएंगे, यीशु मेरे यीशु सबसे महान, नहीं है कोई नहीं है उसके जैसा यहां। हालेलुया, क्या कोई हो सकता है? हमारे यीशु मसीह की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। तालियां बजाकर यीशु मेरे यीशु, मेरे यीशु सबसे महान, यीशु मेरे यीशु, मेरे यीशु सबसे महान, नहीं है कोई नहीं है
खुदावन के नाम की तारीफ हो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सच में हमारे खुदावन बहुत महान है। एक गीत भाई एडिसन हमारे बीच में गाएंगे। समय आ गया अनुग्रह से न्याय का, शोर मच चुका आबादी रात का। इस बस मुझसे दो बार सवाल पूछा गया, आप लोग जो गीतों को गाते हैं वो कौन सी पुस्तक में मिलेंगे, क्योंकि आप जो गीत गाते हैं वो हमारे चर्चों की किताबों में तो नहीं है। मैंने दोनों बार एक ही जवाब दिया, ये गीत जो हमारे भवन में और तमाम एंड टाइम मैसेज के चर्चों में गाए जाते हैं वो गीत नया गीत है, और जब पुस्तक खुलती है तब नया गीत गा सकते हैं, और आज पुस्तक खुल चुकी है, कोई अति प्राचीन आ चुका है 1963 में, और अब समय अनुग्रह से न्याय की ओर बढ़ रहा है। आमीन। न्याय का शोर मच चुका अब आधी रात का, समय आ गया अनुग्रह से न्याय का शोर।
अब आती रात का दुल्हन अब तैयारी कर दूल्हे के साथ जाने की दुल्हन अब तैयारी कर दूल्हे के साथ जाने की वचन पूरा हो गया बारी है भोज खाने की वचन पूरा हो गया बारी है भोज खाने की समय आ गया अनुग्रह से न्याय का सूर मच चुका अब आधी रात का समय आ गया अनुग्रह से न्याय का सूर मच चुका अब आधी रात का वास्तव में न्याय का समय चल रहा है मध्यस्थता खत्म हो चुकी है लेकिन आज मध्यस्थता कहीं जाकर छिप बैठी है और आज उन लोगों के अंदर से मध्यस्थता का काम आज भी जारी है न्याय का तो समय चल रहा है लेकिन अनुग्रह आज भी कुछ लोगों के अंदर जीवित है और वो अनुग्रह उसकी दुल्हन के अंदर आज भी जीवित है हमें का फरिश्ता नरसिंहार करता जो अंदर है लहू के उनको खुदा बचाता मौत का फरिश्ता नरसिंहार करता जो अंदर है लहू के उनको खुदा बचाता कसे कनान पर कब जा पाए आओ प्यारी दुल्हन संपूर्ण में न खाए आज ही कमर कसे कनान पर कब जा पाए कहती प्रभु की आत्मा खुलती छठवीं मोहर से ये दुनिया गुजरती मोहर आज खुलती मोहर आज घटती छठवीं मोहर से ये दुनिया गुजरती कहर ने इस मरी के किसी को न बख्शा बिना लहू इसके मिले कहां सुरक्षा कहर ने इस मरी के किसी को न बख्शा बिना लहू इसके मिले कहां सुरक्षा कहती प्रभु की आत्मा कहती प्रभु की आत्मा मिलकर बोलो कहती प्रभु संदेश को छोड़कर जा चुके हैं और आप जानते हैं जिसने संदेश को नकार दिया उसने मसीह को नकार दिया क्योंकि आज कोई मसीह है तो वो आज के इस युग का संदेश ही है हमें
इस युग की दुल्हन अंतिम आवाज है, प्रधान दूत का सब छुटकारा पास है। इस युग की दुल्हन अंतिम आवाज है, प्रधान दूत का सब छुटकारा पास है। करके कबूल संदेश जिसने ठुकराया, जिक्र उसका पुस्तक में फिर कभी ना आया। करके कबूल संदेश जिसने ठुकराया, जिक्र उसका पुस्तक में फिर कभी ना आया। कहती प्रभु की आत्मा, प्रत्येक काल में पवित्र आत्मा है, उसने किसी भी काल को नहीं छोड़ा। आमीन। ग्लोरी, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सच में हमारे खुदावंत बहुत महान, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, शांति के राजकुमार हैं। हालेलुया। क्या आप सब आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। नबी समझाते हैं, जब भवन में आते हैं हमारे पास कुछ होना चाहिए कि हम खुदावंत के लिए कुछ लेके आ सकें। हालेलुया। कुछ आमीन, कुछ हालेलुया हमारे हृदयों में होनी चाहिए, जिसके साथ हम भवन में घुसे और जैसे ही गीत चालू हो, जैसे ही आराधना चालू हो, हालेलुया, वो आमीन निकलना चालू हो जाए। कई बार ऐसा होता है, लोग ये सोचते हैं कि चर्च में जाने के बाद उनकी ड्यूटी है सिर्फ बैठना। नहीं, आपकी ड्यूटी बैठना नहीं, आपकी ड्यूटी आमीन बोलना है, हालेलुया बोलना है, खुदावंत की तारीफ करना है। हालेलुया। एक छोटा सा कोरस हम गाएंगे, उसके बाद में भाई निश्चल को देना चाहूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा, और मैं उसकी पुरानी आयतों को नहीं गाना चाहता, पर मैं आपके साथ कुछ नई आयतों को गाना चाहूंगा, और आप मेरे साथ उसमें जरूर शामिल हो। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा, हालेलुया, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। लेकिन आप जानते हैं, आज एक और व्यक्ति इस युग में आया है जिसका नाम भाई ब्रैनम है। हालेलुया। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, और दो लाइनें हम जरूर गाएंगे जो उन्होंने किया है। आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मंडराएगा, मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मंडराएगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा।
हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हमारे बीच में वास्तविकता हमारे सच्चे खुदावन है। और इस गीत के साथ मैं चाहूंगा अपने प्रिय भाई निशिल को बुलाना। हम सब लोग तालियों से भाई का स्वागत करेंगे। खुदावन के दास हमेशा हम लाभान्वित होते हैं भाई के गीतों से, भाई के ट्रांसलेशन से। हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। खुदा का धन्यवाद हो इस प्यारे वक्त के लिए जो खुदावन ने हमें दिया कि हम प्रभु की उपस्थिति में आ सकें और खुदा का धन्यवाद करें। वाकई में वो बहुत महान है। जब आत्मा प्रभु का मंडराता है तो दुल्हन चुपचाप नहीं बैठती, दुल्हन भी नाचती है, आनंदित होती है, क्योंकि एक पर्व है सातवें महीने का, जिस पर्व में केवल दुल्हन नहीं नाचती लेकिन एक नाच हमारे खुदा भी करते हैं जो अपनी दुल्हन के साथ है। बाइबल में लिखा है, द लॉर्ड thy God in the midst of thee is mighty, he will say, will rejoice over thee with joy। द लॉर्ड thy God in the midst of thee, वो खुदा जो तेरे बीच में है वो महान है, वो बचाता है और तेरे कारण आनंदित होता है। Amen। सो खुदावन भी आनंदित होते हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। हमारे प्यारे भाई बिली पॉल प्रभु में सो गए और आज वो उस दूसरे याम में है जहां वो डैडी से मिले होंगे, जहां बाकी संतों से मुलाकात की होगी। मुझे याद आता है एक वृतांत जब भाई ब्रैनम ने, जब भाई बिली पॉल दुनियावी राहों में चले गए थे और भाई ब्रैनम उनको बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा कि बेटे तू अब दो राह पे खड़े हो, तुम इस संसारिक राह में जाना चाहते हो लेकिन डैडी विल प्रे फॉर यू और एक दिन मुझे मालूम है तुम वापस लौट के आओगे। और खुदा का धन्यवाद हो, खुदा ने उस भाई के जीवन में काम किया। अब वो भाई वापस लौट के आया और फिर से अपने बाप के साथ सेवकाई में लग गया। उसी पर आधारित एक गीत है, देयर आर टू रोड्स यू मे टेक, दो रास्ते हैं जो आप ले सकते हैं, एक दृष्टि के द्वारा, दिखने के द्वारा और एक विश्वास के द्वारा। टेक द वर्ड ऑफ गॉड, वॉट यू सी, खुदा के कलाम को लें याद आप जो देखते हैं। What you believe is what will be, लेकिन आप पाएंगे जो आप विश्वास करते हैं वही होगा। So set your wings to the winds of faith, अपने पंखों को इस विश्वास रूपी हवाओं पे रख दो, आप बहुत ऊंचाइयों पे उड़ सकते हैं। Do not struggle, it's by grace, वहां पर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उन ऊंचाइयों पे केवल अनुग्रह ग्रह के द्वारा आप बढ़ पाते हैं। Set your wings to the winds of faith, amen। वो काब को देखें, उसको कुछ भी मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको कुछ लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। For the power that makes him rise is already in the sky, क्योंकि जो सामर्थ उसको उठाती है वो पहले से उस आकाश में मौजूद है। There are two roads you may take, one by sight and one by faith. Take the word of God, what you see, what you believe is what will be. Set your way to the winds of faith, you can fly in a higher place. Do not struggle, it's by grace. Set your wings to the winds of faith. What's your need? What's your cry? What's your mountain? What's too
heart. Speak the word of God, and by and by it will bloom, or you will fly. Set your wings to the winds of faith. Higher place. Do not struggle, it's by grace. Set your wings to the winds of faith. Watch the eagle in the sky. He does not struggle, he does not strive. For the power that makes him rise is already in the sky. So set your weight to the winds of faith. You can fly in a higher place. Do not struggle, it's by grace. Set your wings to the winds of faith. The bride says, I've set my wings to the winds of faith, can fly in a higher place. I do not struggle, for it's by grace. I've set my wing to the winds of faith. I've set my wing to the winds of set my wings to the winds of faith. Amen. Amen. मैंने अपने पंखों को उस विश्वास की हवाओं पे डाल दिया है. अब मुझे मालूम है कि मेरे को ऊंचाइयों पे केवल वो ही ले जाएगा. वो विश्वास जो खुदावंत ने संतों को एक बार सौंपा, आज विश्वासी को दिया गया है. और जब उनका विश्वास इस पे होता है, अब ये वो हवाएं हैं, ये वो शिक्षाएं हैं जो इस संदेश से हमें मिलती हैं, जो आपको 8,000 से ऊपर ले जाता है, जो आपको ऊंचाइयों पे ले जाता है, जो आपको अविश्वसनीय स्थानों पे ले जाता है. ऐसी ऊंचाइयों पे जहां आप कभी गए ना हो, और तब वो ले जाता है आपको, तब आप समझ पाते हैं कि आप कौन हैं. आप मुर्गी के दड़बे में एक समय फंसे तो थे, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो उस माओ काब के लिए जो 30 मील ऊंचा 28 मील चौड़ाई में उसने अपने पंखों को फैलाया और एक बड़ी आवाज दी. एक ललकार का शब्द आपने और मैंने सुना, और मैं और आप उस डिनोमिनेशन दड़बे से निकाल के आ गए बाहर. उसने कहा, बेटा अपने पंखों को स्ट्रेच कर, तू काब है, तू मुर्गी नहीं है, तू चूजा नहीं है, तू कूड़ा खाने के लिए नहीं है, तेरे लिए मैंने कुछ और भोजन रखा है. अपने पंखों को फैला बेटा, और जो हवाएं मैंने सेट करी हैं उन पे अपने पंखों को फैला दे, और तू ऊंचाइयों पे जाएगा, तू ऊंचाइयों पे उड़ेगा. मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं. ये संदेश आज हमें ऊंचाइयों पे लेके जाता है, आज हमें हमारे असली रूप को दिखाता है और बताता है कि हम इंसान नहीं है. जैसे भाई ब्रैनम ने एक समय आकर कहा, आई एम नॉट द सन ऑफ चार्ल्स एंड एला ब्रैनम. मैं अपने शारीरिक माता पिता का बेटा नहीं हूं, लेकिन मुझे मालूम मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कहां से आ रहा हूं, मेरी पृथ्वी की यात्रा कहां है, क्या है, और मैं कहां उड़ के जा रहा हूं. खुदावंत का नाम मुबारक हो. खुदावंत ने आपको और मुझे जमीन पे रहने के लिए नहीं, लेकिन आकाश की ऊंचाइयों पे उड़ने के लिए
बनाया ताकि मैं और आप वहां जा सकें। खुदा का नाम मुबारक हो। हे मैं, आप में से कितने उस परम पवित्र में जाना चाहते हैं, उस स्थान में जहां खुदावन ने उस मन्ने को रखा है, वहां पे हारून की छड़ी जो एक समय सूखी थी जब, लेकिन उस उपस्थिति में आए, उस शकीना महीना महिमा में आए, उसमें फल फूल लगने लगे। मैं इस कोरस को गाना चाहूंगा, I enter the holiest of holies, I enter through the blood of the lamb। केवल वो लहू ही है। मैं चाहूंगा भाई वो आज भी मेरे साथ आ जाए। Amen, hallelujah. Amen. I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship. I worship you, for your name is holy, holy, Lord, for your name is holy. I enter. I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. Amen. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship. Lord, I worship. Oh, I worship you, Lord. I worship. Only you are there, Lord. I worship you, Lord. Lord, I worship you. I worship you, for you are holy, holy, for your name is holy, it's holy, holy, Lord, for your name, for your name is holy. Holy, holy.
holy Lord. You're the fountain of all holiness. All creation give you thanks and praises, Lord. Oh God, we worship you, Lord. For your name is holy, Lord. Your name is holy, Lord. Mighty Lord, you are worthy, Lord. Only you are worthy. Only you are holy, Lord. Holy, Lord. Amen and amen and amen. Ayos. कोरस को जो कि एंजल ऑफ द लॉर्ड को बहुत पसंद है, आइए हम उस कोरस को गाएंगे. ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल. अपने मनों को हम तैयार करेंगे. ओनली बिलीव. And all things are possible, my Lord, I believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe. That all things are possible, my Lord, I believe. You believe, my Jesus is here. Aziz Pastor Bhai Ashish, my Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. धन्यवाद देते हैं आज शाम प्रभु यीशु मसीह की. आपने एक बार फिर हम कुछ भाई बहनों को उपवास सहित आपके भवन में आने का फजल बख्शा. धन्यवाद हो खुदावन. जब जब हम आपके भवन आए तो हम खाली हाथ नहीं लौटे. हम धन्यवाद देते हैं कि हर बार कोई ना कोई बरकत आपके भवन में हमारे लिए होती है. मेरी दुआ है आज शाम एटा में यहां पे जब हम एक मीटिंग कर रहे हैं आज की इस उपवास प्रार्थना के सभा में, आइए उन तमाम भाइयों बहनों को, हम सबको आप ब्लेस करें. आपके लहू के नीचे आते हैं अपनी किसी रास्तबाजी के कारण नहीं, लेकिन आपके लहू के वास्ते कि आप आएं और आज हमारी दुआओं को सुनें, हमें जवाब दें, हमें हमारी असमंजस समस्याओं से निकालें और खुदावन अपनी जिस्मानी और रूहानी आशीषों से, बरकतों से हमें परिपूर्ण करें. इस जगह का टेक चार्ज आप लें. हर दुष्ट की चाल यहां से विफल होकर अधोलोक के कुंड में डे ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए बांधी जाए. प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मैं मांगता हूं, आमीन. आइए जब हम लोग खड़े हैं मेरे साथ प्रभु के वचन में निकालेंगे पहला सैमुएल. किसी भाई जिसके पास हिंदी की बाइबल है मेरी मदद करें पढ़ने में. समय को बचाने के लिए मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा. उसका पहला अध्याय और उसकी आठवीं आयत से आप पढ़ें
19वीं आयत तक। इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख के रोने लगी और उसने ये मन्नत मानी, है सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने तो दाक मधु पिया, मैंने ना तो दाक मधु पिया है और ना वो मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का खुदा तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वो स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। आइए हमसे बात करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। मैं आज खुदा का धन्यवाद देता हूं, एक बार फिर प्रभु ने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आप लोगों के बीच में खुदा की खिदमत करने पाऊं, क्योंकि एक छोटा मैसेज है, लंबा नहीं, मैं इसलिए हिंदी में ही बात कर रहा हूं। और दूसरा है, हमें समय भी बचाना है, क्योंकि हम ज़्यादा समय चाहेंगे कि लोग प्रार्थना में जाएं और एक प्रार्थना का विषय आपको मिले इससे पहले कि आप दुआ में जाएं। मैं विश्वास करता हूं आज आप में से कई उपवास सहित यहां पर हाजिर हैं, कोई ना कोई मन की मुराद आपके दिल में है जिसको आप खुदावन के सामने रखने आए हैं। मैं नबी के मैसेज से कुछ चीज़ें पढ़ूंगा और आपके सामने भी उन चीज़ों को रखने की कोशिश करूंगा। ये एक बाइबल कैरेक्टर है जिसका नाम हन्ना है, और हम जानते हैं बाइबल जो कि तस्वीरों की किताब है, स्त्री एक कलीसिया को दर्शाती है। और वचन के अनुसार अगर आप इसी का पहला अध्याय निकालें, जस्ट अ मिनट, सॉरी, खैर उस आयत को हम अभी बाद में देखेंगे, जो ये फरमाता है कि कई सालों से खुदा का कलाम इज़राइल में प्रकट हुआ नहीं था क्योंकि वहां एक नबी नहीं था। ध्यान से सुनिएगा, ये वचन में आते हैं, मैं अभी कह रहा हूं एट रैंडम, मैं इसको नहीं निकाल रहा, लेकिन वचन को थोड़ा समझने की कोशिश करें। आइए जरा समझें कि ये दुआ जो हन्ना रख रही है किस बात की दुआ है। तो एलकाना इसका पति है और उसकी दो बीबियां थीं, जिसमें से एक हन्ना है और दूसरी पनिन्ना है, और पनिन्ना के कई बच्चे हुए, हन्ना लेकिन बांझ है और इसके कोई बच्चा नहीं हुआ। और तब पनिन्ना ने, जो उसकी सौत थी, इसको तांसना शुरू किया। वचन के अनुसार जब जब वो मीटिंग आती थी शीलो में, प्रभु के भवन में, तो तांसी जाती थी, उसका मजाक उड़ाया जाता था।
भाई ब्रनम ने इस बात पे जोर रखा, आज लोग हंसते हैं उन औरतों पे जो बच्चा पैदा करती हैं। पुराने जमाने में हंसा उन औरतों पे जाता था जो बच्चा पैदा नहीं कर पाती थी। समय बहुत बदल चुका है, आज बच्चे नहीं चाहिए। अमेरिका का यही हाल है, बच्चे होंगे तो फिगर खराब हो जाएगी, जिस्म वैसा दिखेगा नहीं जैसा जवानी का दिखता था। तो अरे तुम मां हो, क्या जरूरत थी ये सब करने की? शादी का मतलब बच्चा नहीं, शादी का मतलब है बस गुलछर्रे उड़ाओ। आपकी समझ मारी है? बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिस करो, आप लोग समझ सकते हैं। पुराने समय में लेकिन हंसा उन स्त्रियों पे जाता था जो बच्चे पैदा नहीं कर पाती थी। ये एक शर्म से गड़ने की बात होती थी एक औरत के लिए। अगर वो एक फैमिली में उसकी शादी हो और वो बांझ रह जाए और उसके बच्चे ना हो, आपकी समझ आ रही है? आइए इसको थोड़ा आत्मिक रूप दें और समझने की कोशिश करें। एलकाना हन्ना से ज्यादा प्यार करता था पनिन्ना से। तो आत्मिक रूप शारीरिक रूप है, उसको आत्मिक रूप भी समझेंगे। तो कितनी बार एक पति के रूप में उसने अपना धर्म निभाया और वो अपनी पत्नी के पास गया होगा और उसका बीज उसमें गया होगा, लेकिन गया तो सही लेकिन गर्भ धारण नहीं हुआ। आइए इसको जरा आत्मिक रूप से समझें। मसीह एक पति है, कलीसिया एक दुल्हन है, और मसीह का बीज आपका कलाम है जो बोला जाता है। बोने वाला वचन बोता है, तो बीज वचन है। और जब वचन का बीज एक खेत में बोया जाए, समझने की कोशिश करें, आत्मिक लोग हैं आप, तो हन्ना के साथ और कई एग्जांपल्स और भी हैं बांझपन के, कि बीज जा रहा है यानी पति पत्नी का मिलन हो रहा है। कहां? मीटिंग में। मीटिंग होती है, प्रचारक प्रचार करता है, वचन बोला जाता है, सुनने वाला सुनता भी है, बीज अंदर जाता भी है, लेकिन टिकता नहीं है। जहां दरवाजा खुला और सुनाओ क्या हाल है, मीटिंग खत्म हुई, गॉड ब्लेस यू, और हाँ, तभी एक फोन, तभी एक बात, और सुनाओ कल कहां मिल रहे हैं, ये है वो है। अच्छे से अच्छा मैसेज वॉश आउट हो जाता है, रुक नहीं पाता कि वो वचन फलवंत हो, असर लाए। इसे कहते हैं बांझपन। वचन बोला जा रहा है, मीटिंग हो रही है, प्रचार है, बीज में कोई खराबी नहीं। खराबी एलकाना में नहीं थी, खराबी हन्ना में थी। समझने की कोशिश करें, अगर एलकाना में खराबी होती तो पनिन्ना से बच्चे क्यों होते? तो बीज तो बिल्कुल ताकतवर और बढ़िया था, खुदा के कलाम में, नबी के संदेश में कोई नुक्स नहीं, खुदा का नाम मुबारक हो। लेकिन समस्या है एक आत्मिक कोख से। जिन्होंने नबी का मैसेज पढ़ा, मुंह से बोला गया वचन मूल बीज है, तो उन्होंने पढ़ा होगा, नबी ने समझाया कि दो किस्म की कोखें हैं। एक तो शारीरिक कोख जो हमारी बहनों के पास है, एक है आत्मिक कोख जिसे आपका मन कहते हैं, जहां वचन का बीज ग्रहण करते हैं। अब यहां चाहे ब्रदर हो और चाहे सिस्टर हो, ये आत्मिक कोख हरेक के पास है, हमारी आपके। अब यह ढूंढना है कि आत्मिक कोख है तो सही, लेकिन कहीं बांझ तो नहीं है। मीटिंग होती है, लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, आए हमारे बाप की दुआ समाप्त हुई, प्रेज द लॉर्ड हुई, उसके बाद अच्छा ये बताओ कल शाम क्या प्रचार हुआ? कईयों को याद होगा, कईयों को याद नहीं होगा। चलिए तो कल शाम की बात हुई, कल शाम को छोड़िया बढ़िया, आगे पिछले संडे क्या प्रचार हुआ? हां कुछ को याद होगा। अच्छा ये बताओ कि एक महीना पहले जो संडे आया था, चार संडे पहले क्या प्रचार हुआ?
वो मीटिंग जो भाई इंदल ने या भाई शिमोन ने या जिस किसी भाई ने या भाई अपने अनुग्रह ने या किसी भाई ने भाई पास्टर भाई ने ली यहां पर, तो उसमें क्या प्रचार गया था याद है? कुछ को याद होगा। आज से चार संडे पहले, पांच संडे पहले, अब ध्यान से सुनिए, मैं समझा रहा हूं गर्भधारण। जब स्त्री एक बार गर्भधारण कर लेती है, वही बीज एक बच्चा बनता है, नौ महीना। नौ महीने उस बच्चे को अपनी कोख में लिए वो घूमती है, यानी अब वो बीज उसके अंदर टिक गया और नौ महीने वो उसके साथ चलती है और वो बच्चा, वो बीज ही नहीं बना रहता, वो एक बच्चा बनता है और नौ महीने के बाद वो बच्चा पैदा होता है। आमीन। गर्भधारण आत्मिक कहेंगे उस मीटिंग को जिसमें कोई खास बात प्रचार हुई, जो दिल में लग गई और अब चाह के भी नहीं निकल पा रही, समझ में आ रही है? अब वो नहीं निकल रही बात, और वो इतना गड़ गई कि एक दिन जीवन में मुजस्सम हो गई। इसे कहेंगे गर्भधारण। बांझपन किसे कहेंगे? आओ मीटिंग में बैठो, एक प्रचारक प्रचार करेगा, मसीह प्रचारक के द्वारा अपना बीज देगा, लेकिन बीज गया तो सही लेकिन निकल गया, वॉश आउट हो गया, कोई फायदा हुआ नहीं उस मीटिंग का। आपकी समझ में आ रही है? ये रोना है हन्ना का। हन्ना का जो रोना है शीलो में, शीलो कौन सा स्थान? शीलो वो जगह थी जहां यहोशू के टाइम पे एक पुस्तक बुलाई गई जो सात हिस्सों में बांटी गई, ताकि सात बची जातियों को, गोत्रों को उनकी जमीन दिलवाई जा सके, जो आज तस्वीर है सात मोहरों के मुकाशवे की, जो दुल्हन को उसका इनहेरिटेंस मिरास दिलवाती है। उस स्थान पे जब हन्ना पहुंची जहां पुस्तक खोली गई, आप समझ पा रहे हैं, तो उसके दिल में एक मुराद है, प्रभु ये कब तक होगा कि मैं अपने पति से मिलूं लेकिन गर्भधारण ना करूं। दुआ मेरी आज कराहट के साथ ये है, मेरी इस नाम धराई को प्लीज दूर करें। आप समझ मारी है? मेरी इस नाम धराई को दूर करें। मेरी सौत है, उसके देखिए कितने बच्चे हैं, एक मैं हूं जिसका कोई बच्चा अभी हुआ नहीं। समझ मारी आपके? मैंने मसीह के लिए क्या पैदा किया? मेरे जीवन से कौन सा वायदा देधारी हुआ? मेरे जीवन से कौन सा खुदा का कलाम मुजस्सम होके पूरा हुआ? और वो बच्चा, याद रखिएगा, हर बच्चा जो पैदा होता है वो समय का बच्चा है, वो उस दिन का बच्चा है, वो पिछली पीढ़ी का बच्चा नहीं हो सकता, वो एक बच्चा कहलाएगा अगली पीढ़ी का। क्या सच्चाई है? ऐसी मसीह के लिए बच्चा पैदा करना मतलब आज का वचन जीवन से मुजस्सम मिलाना। वो नहीं जो लूथर ने कहा या वेस्ली ने कहा या कई साल पहले बोला गया, लेकिन वो वचन जो आज के लिए बोला गया। आज के लिए क्या वचन है? एक रैप्चर। आज के लिए वचन क्या है? एक देह का बदलाव। क्योंकि प्रकाशित 12 में एक औरत है जो शीलो पे गई, प्रकाशित 10 में, और 10 में जब शीलो घटा तो 12 में उसके पेट में एक बच्चा है। 12 घटा 10 के बाद, प्रकाशित 10 फिर प्रकाशित 12, 12 में एक स्त्री है जो बच्चा जनने की पीड़ाओं में है, और तब उससे एक नर बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा स्वर्ग में उठा लिया गया और स्त्री को दो पंख दिए गए कि वो विल्डरनेस में उड़ जाए जहां उसका पोषण होगा 3.5 साल। तस्वीर इज़राइल की और तस्वीर एक अन्य जाति कलीसिया दुल्हन की जो उड़ जाएगी उकाब के दो पंख पाके इन्हीं किन्हीं दिनों में। क्या आपकी समझ मारी है? ये लालसा हन्ना की है। मैं आपके सामने अब एक नबी का कोट पढ़ता हूं,
संदेश का नाम है व्याकुलता, डेस्परेशन। पैराग्राफ 98। हन्ना अ बैरन वुमन इन द बाइबल, शी वॉन्टेड अ सन। हन्ना एक बांझ औरत है बाइबल में जो एक बेटा चाहती थी। एंड शी गॉट टू फास्टिंग फॉर हिम, और वो उसके लिए उपवास रखने लगी। And she fasted and prayed until even the priest at the temple thought she was drunk. और उसने उपवास करी और दुआ मांगी, यहां तक कि वहां के याजक ने सोचा कि वो तो मदिरा के नशे में है। नशे में नहीं थी, वो एक दुआ में खुदा से जुड़ चुकी थी। इतना जुड़ चुकी थी कि वो सुदबुद खो बैठी कि मेरे पास बैठा कौन है। वो अपने दिल की पुकार अपने खुदा से कह रही थी। उसे हॉल नहीं दिखाई दे रहा था, उसे कैसियो नहीं दिखाई दे रहा, उसे पुलपिट नहीं दिखाई दे रही, उसे कोई ब्रदर सिस्टर नहीं दिखाई दे रही। वो और उसका खुदा है। उसके दिल में कराहट है और वो कराहट को अपने यहोवा से बोलने आई है। इसलिए लग रही है कि नशे में है, क्योंकि वो सुदबुद खो बैठी है। इतना गहराई में उतर चुकी दुआ में कि वो सुदबुद खो बैठी कि वो है कहां पे। एक और मैसेज में नबी ने कहा, चलिए इसी में बोल रहे नबी, कि याजक ने सोचा कि वो मदिरा के नशे में है। शी वॉज इन सच डेस्परेशन, वो इतनी व्याकुलता में आ चुकी थी। विद द रेस्ट ऑफ द वुमेन वॉचिंग व्हाट काइंड ऑफ अ बॉनेट द अदर वन हैड वोर, एंड यू नो हाउ इट गोज। बाकी औरतें जो मीटिंग में आई थी वो ये देखने आई थी कि दूसरी औरत, बात हो रही अमेरिका की क्राउड की, उसको हम हिंदुस्तान पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कि फलानी बहन ने कौन सा हैट पहना है, हिंदुस्तान में कहें कौन सी साड़ी पहनी है, कौन सा दुपट्टा कहां से लिया आपने। ये देखने के लिए कोई लोग मीटिंग में आते हैं, शारीरिक लोग, जैसा कल का मैसेज था। लेकिन हन्ना इस कारण नहीं आई थी। बट नॉट हन्ना, हन्ना नहीं, शी स्टेप्ड राइट थ्रू द होल क्राउड एंड वेंट टू द ऑल्टर। वो पूरी भीड़ में से निकल के सीधा वेदी के पास आके झुक गई। शी हैड बीन फास्टिंग, वो फास्ट कर रही थी। किस चीज का फास्ट है ये? शी वॉन्टेड हर रिप्रोच टेकन अवे। वो उपवास इसलिए कर रही थी कि वो अपनी नाम धराई दूर करवाना चाहती थी। What a difference it is today. It's almost a reproach to have a child. कितना फर्क है आज, जैसा मैं बोल रहा था कि आज बच्चा पैदा करना एक नामधराई की बात गिनी जा रही है। Then it was a reproach not to have one. और तब तो ये नामधराई की बात थी जब कोई बच्चा पैदा ना कर पाए। And she got on her knees. और वो अपने घुटने के बल आई। And she never noticed the dignity of the temple. उसने मंदिर में कितने बड़े बड़े लोग आए, इन चीजों को नहीं देखा। शी नेवर नोटिस द डिग्निफाइड प्रीस्ट एज ही वॉक्ड आउट। कैसे वो डिग्निफाइड यानी बड़ा याजक पास से निकल गया, उसने देखा भी नहीं, उसे मालूम नहीं कौन आया कौन गया। शी वॉज इन सच डिस्ट्रेस टिल हर टीयर्स वर रोलिंग डाउन हर चीक्स। वो इतनी कराहट और व्याकुलता में थी कि उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और उसके गालों को भिगो रहे थे। And she was crying in desperation. और बड़ी व्याकुलता में होके वो चिल्ला के खुदा से दुआ कर रही थी। ओ लॉर्ड गॉड, अय यहोवा खुदा, गिव मी अ सन। आज दुल्हन दुआ करेगी, गिव मी दैट क्राइस्ट। मुझे मसीह चाहिए, मुझे रैप्चर चाहिए, मुझे वो वचन की पैदाइश अपने जीवन में चाहिए। एंड नोटिस शी वॉजंट सेल्फिश। और जब उसने दुआ करी तो वो दुआ सेल्फिश, हिंदी करें, खुदगर्जी वाली दुआ नहीं थी। कोई ऐसी चीज मांगी जिसको मैं भोगूं, ये दुआ एक ऐसी चीज की मांग नहीं थी जिसे मैं भोगूं। व्हेन गॉड हर्ड हर एंड आंसर्ड हर प्रेयर एंड गेव हर अ सन, She gave him back to God. जब खुदा ने उसकी दुआ सुनी और उसको वो बेटा दिया, उसने वो बेटा वापस खुदा को दे दिया। खुदा ने के सामने उसने कोई सेल्फिश दुआ नहीं मांगी।
And because she was willing not to be selfish after God had answered her prayer, और क्योंकि वो selfish नहीं थी, खुदावन से मांगने में अपनी दुआ को, he gave her a prophet. खुदा ने उसे एक बेटा ही नहीं दिया, एक नबी दे दिया. Oh, that was an extra blessing. ये एक extra blessing खुदा ने उसे दी. Oh, he is just full of them. हमारा खुदा इन extra blessings से भरपूर है. Those little extra things that he gives, extra चीजें जो खुदा देता है. Not only a son, but a prophet. केवल एक पुत्र नहीं, बल एक नबी दे दिया. And there had been no open vision for many, many years in Israel. और इज़राइल में वचन में लिखा है कई सालों से खुला दर्शन किसी के पास आया नहीं था. सैमुअल द फर्स्ट प्रॉफेट फॉर मेनी मेनी इयर्स. सैमुअल पहला नबी कई सालों के बाद, बिकॉज अ मदर गॉट डेस्परेट. क्योंकि एक मां व्याकुल हुई. उस मां ने सुना था एक मूसा के विषय में, उस मां ने सुना था एक निकासी के नबी के बारे में, उस मां ने सुना था कि एक समय था जब निकासी का नबी था और वो पहाड़ पे गया और एक बादल आया और एक किताब लेके आया और एक तंबू का दर्शन आया और उसने तंबू बनवाया. मैं तुमसे वहां मिलूंगा. क्या ये सच्चाई है? लेकिन मां व्याकुल अब इस बात के लिए है कि मुझे एक और बेटा चाहिए, मुझे एक और बेदारी चाहिए, मुझे एक और सवारी चाहिए, मुझे देह बदलाव चाहिए. यह सच है कि दर्शन मूसा के जमाने में था, लेकिन सालों साल से बीच में कोई नहीं दिखाई दे रहा. लेकिन हे प्रभु, क्या फिर से दर्शन चालू हो सकते हैं? क्या फिर से खुदावन की डीलिंग चालू हो सकती है? क्या फिर से खुदावन उतर के आ सकते हैं? क्या फिर से एक और बेदारी आ सकती है जो दुल्हन को ओत प्रोत करके इतना भर दे कि वो उकाब के दो पंख बन जाए, कि दुल्हन को यहां से उड़ा के ले जाए? इन चीजों के लिए वो व्याकुल है. एक दूसरे संदेश में भाई ब्रनम ने कहा, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है. तब नबी ने बोला, यहां नहीं लिखा, नबी कहते हैं हन्ना सुन चुकी थी. क्या सुना था हन्ना ने? यस, आपने जिसने भी बोला सही बोला. हन्ना सुन चुकी थी कि आपसे पहले एक और थी जो कि बांझ थी, बुजुर्ग तक हो गई, लेकिन खुदा ने उनको एक बेटा दिया. तो यदि खुदा उन्हें दे सकता है तो मुझे भी दे सकता है. अगर खुदा ने किसी का कैंसर ठीक किया तो आपका भी कर सकता है. अगर खुदा ने किसी की बीमारी ठीक करी तो आपकी भी होगी. अगर खुदा ने वहां मुर्दे जिंदा किए तो आपको भी जिंदा कर सकता है. अगर खुदा ने पेंटिकोस के दिन बेदारी भेजी तो आपको भी दे सकता है. विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से. क्या विश्वास करते हैं? और आज आपके दिल में प्यास है एक मसीहा को पैदा करने की, एक बेदारी को पैदा करने की. आपके दिल में कराहट है. इसे एक पेनफुल डिजायर कहते हैं कि मेरे द्वारा खुदावन वो दूसरी सवारी मुजस्सम हो सके. मैं भी एक कैंडिडेट बनूं उस सवारी का. जब वो श्वेत घुड़सवार पश्चिम से चले, यानी पवित्र आत्मा, जब एक और पवित्र आत्मा की लहर. नबी ने एक मैसेज में कहा, यह बेदारी दुनिया नहीं देख पाएगी. क्यों देखेगी? क्योंकि जिनमें होगी वो बहुत थोड़े लोग होंगे, ज्यादा नहीं होंगे. लेकिन अगला सवाल, क्या उन थोड़ों में आप बनना चाहते हैं? मैं आपसे गवाही शेयर करूं, कल रात हमने एक मैसेज रखा एनिवर्सरी के टाइम, एक पुकार, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जिस नोट पे मैसेज खत्म हुआ. आज शाम हमें पता पड़ा, हमारा प्यारा भाई बिली पॉल, भाई ब्रनम के बेटे, प्रभु में सो गए. 88 साल के थे, बुजुर्ग थे, बहुत बुजुर्ग. मरने से एक हफ्ता पहले उन्होंने ख्वाब देखा जो अपने खानदान में बताया, जिसको भाई जोसेफ ने रखा. मैं एक
नदी के किनारे किनारे, स्ट्रीम के किनारे जा रहा हूं, और दूसरी तरफ भाई ब्रैनम हैं, उनके फादर, और मेरी तरफ देख के कहते हैं, बिली तुम काफी थके लग रहे हो। तो मैं उनसे कह रहा हूं, हां पापा मैं थक चुका हूं। तो फिर पापा ने एक बात बोली, कम आ जाओ, वॉक विद मी। और तब उस ख्वाब का जो टाइटल था, जो आज पहुंचा, जो ख्वाब का टाइटल है, उसका यही शीर्षक रखा गया, कम वॉक विद मी। यू सी, मैसेजेस ऐसे ही नहीं आते, कम वॉक विद मी। सो एक भाई बैठा और उसको खुदा ने कुछ वचन दिया और उसने प्रचार कर दिया। नहीं 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 ब्रदर, ये पुकार है आज, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि कुछ जो यहां हैं अब यहां ना रहें। वक्त आ गया है कि कुछ यहां से गायब हों। हम यहां क्यों आते हैं? क्योंकि हम यहां आना नहीं चाहते। हम यहां इस चर्च में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम यहां आना नहीं चाहते। अरे एक बोल क्या रहे हैं आप? जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं। हम यहां इसलिए आ रहे हैं कि हम यहां आना नहीं चाहते, यानी यहां से गायब होना चाहते हैं। और यही है पेनफुल डिजायर हन्ना की। हे प्रभु, इस मौसम का बच्चा मुझसे पैदा हो, इस मौसम की बेदारी की मां कहीं मैं तो नहीं बन सकती? क्या मैं वो मां बन सकती हूं? अब यहां मां आत्मिक रूप की बात हो रही है, बात खाली बहनों के लिए नहीं है, भाई के लिए भी है, क्योंकि ये बात एक कलीसिया के लिए है। मैं आप लोगों को देख रहा हूं अब कुछ समय से, और मैं देख पा रहा हूं कि एटा में एक बेदारी है, मैं देख रहा हूं। मैं आप लोगों को और इंकरेज करना चाहूंगा, आप जवान भाइयों बहनों को, बुजुर्ग जो उतने भी सब यहां बैठे हैं, बेदारी को हल्की बात मत जानना, इसको अपने पास से एक मालगाड़ी के डब्बे की तरह गुजरने मत देना, चाहे कितनी मेहनत करे, दौड़ के चढ़ जाओ इसमें। जब दूसरा ताली बजाए और तुम ना बजाओ तो एक सवाल पूछना, मैंने क्यों नहीं बजाई, मुझसे क्यों नहीं बज पाती? जब दूसरा आमीन बोले और तुमसे आमीन ना निकले तो सवाल अपने से पूछना कि इनने आमीन किस लिए करी? बात तो कोई खास थी नहीं, बात तो बड़ी आम सी कही भाई ने, लेकिन उन्होंने बड़ी जोर की आमीन बोली। आमीन इसलिए बोली कि उसने कुछ देखा, उसने कुछ सुना जो शायद आप नहीं देख पाए, आप नहीं सुन पाई। दुआ करो ये बांझपन जीवन से चला जाए। क्या बोला? दुआ करो ये आत्मिक बांझपन जीवन से चला जाए। आज सीनाए के चर्च जाओ, हंसने की बात कहो, मुंह चिकना घड़ा, माफ करें अगर किसी को ठोकर लगे, रोने की बात कहो तो चिकना घड़ा, जैसे आए वैसे लौट गए। ये बात मैं नहीं बोल रहा, मेरे फादर जो यहीं एटा के हैं, सालों साल यहां मशक्कत करते रहे अच्छे अच्छों के साथ, चिकने घड़े, जिनके जीवन में कोई असर नहीं। हंसने की बात कहो तो चुप, रोने की बात कहो तो चुप, कुछ नहीं, दिल पत्थर। लेकिन हिस्केल में लिखा है, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, उस पत्थर के दिल को निकालूंगा। आज दुआ मांगो कि ये पत्थर का दिल दिल से चला जाए। ये पत्थर का दिल ही बांझपन है,
वचन टकराता है पत्थर से और गिर जाता है। अगर मांस का हृदय होगा तो अंदर घुसेगा। समझ मारी आपके? और खुदा ने वायदा किया है, मैं तुम्हें एक नया हृदय और एक नई आत्मा दूंगा, और पत्थर के दिल को निकाल के मांस का हृदय दूंगा, नई आत्मा दूंगा और अपनी आत्मा समवाऊंगा। यह है उपवास हन्ना का। जिस उपवास के साथ वो मीटिंग में आई वो ये है, मेरे बांझपन को प्लीज दूर करें, मैं मां बन पाऊं एक और बेदारी का, मैं मां बन पाऊं एक सैमुअल का आज के। और जब वो सैमुअल आया तो बूढ़ा एली बैठा रह गया, होफनी फिनहास बैठे रह गए, खुदा ने उनसे बात नहीं करी और इस छोटे बच्चे से कहता है, सैमुअल सैमुअल मुझे तुझे छठी मोहर दिखाना है, मुझे तुझे आर्मगेदोन दिखाना है, मुझे तुझे वो समय दिखाना है जब न्याय उतरेगा एली और उसके दो बेटों के ऊपर। कहीं पर नहीं लिखा कि हन्ना कैसे मरी, वो दुल्हन की तस्वीर है। क्या ये सच्चाई है? क्योंकि मरी होगी लेकिन उसकी मौत रिकॉर्डेड नहीं है, क्योंकि वो एक ब्राइट टाइप है। क्या ये सच्चाई है? वो गायब हो गई एक सन्नाटे में, वही हन्ना मैं विश्वास करता हूं आज यहां है, जो एक साइलेंस में यहां से गायब हो जाएगी। क्या आपकी समझ में आ रही है? ये है दिल की कराहट। गॉड ब्लेस यू। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, 7:30 बज चुका है। मैं आपको खूब समय देना चाहता हूं कि आप लोग दुआएं करें। याद रखना, प्रचार अपनी जगह है लेकिन दुआ बहुत बड़ा वेपन है। खुदावन को दुआओं में खोजो। खाली नौकरी, फ्रिज, कपड़े, रोटी, कपड़ा, मकान नहीं। हमारे पास क्या कुछ आत्मिक मकसद हैं? जैसा मैंने आज एक मकसद आपके सामने रखा, इस समय की मांग क्या है? क्या है समय की मांग? क्या आपके खानदान में कोई ऐसा बच्चा है जिसका अब तक उद्धार नहीं हुआ? हो सकता है। क्या आपके खानदान में कोई है जिसने अब तक संदेश को समझा नहीं? आप परेशान हैं। बहन हैटी राइट के घर में उनकी बहन थी, सालों से बीमार, लेकिन जब पवित्र आत्मा ने कहा मांग क्या चाहती है बहन हैटी, मांगने के लिए तो वो अपनी बहन की चंगाई मांग सकती थी भाई बहनों का, लेकिन उसने उससे बड़ी चीज मांगी। क्योंकि अगर बहन हैटी की बहन एडिथ चंगी होती भी, कुछ दिनों के बाद फिर बीमार पड़ती और मर जाती, तो वो चंगाई कुछ क्षण भर की थी, लेकिन जो उद्धार था उन दो लड़कों का वो अनंत है। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? अगर आज किसी को पवित्र आत्मा मिल जाए ये बात अनंत है। अगर आज किसी को ये वायदा मिल जाए मैंने तुझे चुना है, ये बात अनंत है। और आज किसी को यह वायदा मिल जाए कि तुम रैप्चर में जा रहे हो, मैं दिखाऊंगा वचन में लिखा है किस रीति से ऐसा हुआ कि जब हन्ना ने दुआ समाप्त करी तो उसने कहा मैं दुखिया हूं, मैं किसी शराब के नशे में नहीं हूं। एली ने कहा कोई बात नहीं, जा, जैसी तूने अपनी दुख में दुआएं रखी तेरे साथ हो। और तब वो खुश हुई, उसके बाद उसका दुख खत्म। उस फास्टिंग की मीटिंग के बाद उसका दुख खत्म। उसे अंदर पता लग गया मेरी दुआएं सुन ली गईं। और वचन के अनुसार अगली बार जब उसका पति उससे मिला, आत्मिक रूप से कहूं, उस फास्टिंग मीटिंग के बाद जब वो अगली मीटिंग में आई, जब उसका पति मसीह वचन के बीज को उसे दे, तो खुदा ने उसकी सुधि ली। अब उसकी कोख खोल दी गई और उसके अंदर एक बच्चा ठहरा। यह है खुदावन का कलाम। तो आज प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। हन्ना के बाद एक और बांझेज का नाम इलिशबा है। वहां पर भी शाम की कुर्बानी के समय, वो भी एक प्रेयर मीटिंग थी,
और जब प्रार्थना हो रही थी, सब लोग प्रार्थना में थे और जकरिया अपनी बारी के अनुसार खुदावन के लिए धूप जला रहा था कि राइट हैंड साइड पे एक एंजल अपियर हो गया। और जब एंजल अपियर हुआ कई सालों के बाद, वो एक मैसेज के साथ आया, मैं तेरी पत्नी को विजिट करूंगा और उसे एक बच्चा दूंगा। और वहां से जॉन द बैप्टिस्ट पैदा हुए। क्या ये सच्चाई है? उसी विजिटेशन के कुछ ही दिन बाद एक और विजिटेशन एक लड़की के पास, जो कि जा रही है एक मंद पानी लेने के लिए, वो भी एक मीटिंग जा रही है पानी निकालने के लिए। लेकिन जब जा रही है तो रास्ते में जिब्राइल फरिश्ता दिखाई दिया, तू स्त्रियों में अति धन्य है, तू एक पुत्र जनेगी। ये कैसे हो सकता है? मैंने किसी पुरुष को नहीं जाना। बोलते तेरे साथ कुछ और होगा, अलौकिक तेरे साथ घटेगा, पवित्र आत्मा से तू हामला होगी और जिस बेटे को तू पैदा करेगी वो खुदा का फर्जंद कहलाएगा। और आज खुदावन का धन्यवाद हो कि आज एक मेरी चर्च है। क्या सच्चाई है? वही शाम, वही शाम की कुर्बानी का समय, वही याजक खुदावन के सामने धूप जलाता हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज वो दूत आ जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आ चुका हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपसे कुछ कह रहा हो? ब्रदर सिस्टर, ये मौका है कि आप खुदावन से दुआएं मांगें। आए खुदा, मेरे बांझपन को दूर करें, मैं इस वचन को अपने जीवन से प्रकट करने पाऊं जो मैं कर नहीं पा रहा, चाहता हूं हो नहीं पा रहा। अब आप मेरी मदद करें कि ये वचन मुझ में ऐसा टिके। वचन का टिकना मतलब प्रकाशन खुलना। मैं सुनता हूं लेकिन रिवील नहीं होता। इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये बात ऐसे है, वो 30 मील ऊंचा, 26 मील ऊंचा, 30 मील चौड़ा, बादल आया, मसीह है। इंफॉर्मेशन है ब्रदर, रेवलेशन क्या है? जिसका रेवलेशन जब खुलेगा तो वो बादल वहां नहीं रहेगा, वो आपके अंदर आ जाएगा और आप में मुजस्सम होना शुरू होगा। सो गॉड रियली ब्लेस यू, प्रभु आपको बरकत दें। इन्हीं बातों में मनन करें, सोचें। और अब मौका है, मैं पास्टर इंदल भाई को बुलाऊंगा कि अब हम दुआओं में जाएं। गॉड ब्लेस यू। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। थोड़े समय में और बहुत ही खूबसूरत संदेश प्रभु के दास के द्वारा हम सबको सुनने को मिला, और कई एक बड़े अच्छे इशारे ही खूब किए गए। ये किसके लिए किए गए? मेरे आपके लिए, हमारे चर्च के लिए, हम लोगों के लिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। खुदावंत की तारीफ हो। आप लोग बैठ सकते हैं। विशेषकर नबी समझाते हैं, आप प्रचार बहुत कर सकते हैं, आप गीत बहुत गा सकते हैं, आप और काम बहुत कर सकते हैं, लेकिन आप दुआ ज्यादा नहीं कर सकते। और अभी पास्टर जी ने दुआ के विषय में बताया कि दुआ सबसे ज्यादा जरूरी है आज मेरे और आपके लिए। और विशेषकर हमने एक दिन महीने में ऐसा भी रखा है कि हम केवल दुआ ही ज्यादा करते हैं उसमें, इस उपवास की मीटिंग के अलावा एक दिन हमने चुना है जिसमें हम कम से कम आधा पौना घंटे घंटे दुआ ही करते हैं, कुछ नहीं करते, और सबको फ्री छूट देते हैं, चाहे बैठ के करो, चाहे खड़े होके करो, चाहे घुटने टेक के करो, तुम्हारी अपनी मर्जी है।
कोई किसी पर ध्यान नहीं देगा, सिर्फ ध्यान देना है तो खुदावंत पर ध्यान दीजिएगा, खुदा से बातचीत करिएगा। दुनिया से बातें बहुत होती हैं, लेकिन खुदा से बातचीत कब होगी और कौन सा समय आएगा? अब नहीं होगी तो कब होगी? पहले काल को देखिए, आखिरी वाले को देखिए, नबी ने क्या बोला था, ये उससे भी छोटा होगा। हम कहां आ गए? बिल्कुल आगे निकल चुके भैया। तो अब नहीं तो दुआएं कब होंगी? और बाइबल बताती है प्रार्थना से थोड़ा बहुत नहीं बल्कि सब कुछ हो सकता है। रैप्चर चाहिए, मिलेगा। बोले हालेलुया। मिलेगा कि नहीं? मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन हम मांगे तो सही, हम मांगते ही नहीं। अभी प्रभु के दास ने बताया, एक ने ताली बजाई, एक ने क्यों नहीं बजाई? बात समझ में आई? तो मेरी बहन मेरे भाई, आज जरूरी है कि हम सब दुआओं में ज्यादा जाएं, दुआओं में ज्यादा जाएं। हम वादे बहुत करते हैं। अभी मैं बता रहा था कि शादी होती है तो वादे बहुत होते हैं, पत्नी के भी और पति के भी कई एक वादे होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है उन वादों का? खुदावंद के साथ भी हम बहुत वादे करते हैं, एक बार नहीं करते, कई बार करते हैं। परेशानी आ जाए तब एक वादा, और कोई बात हो तब एक नया वादा। खुदावंद तू मुझे इस झंझट से निकाल, मैं ऐसा करूंगा। प्रभु ये परेशानी मेरी दूर हो जाए, मैं जीवन भर याद करूंगा और जीवन भर नहीं मुड़ूंगा, ईमानदारी से चलूंगा। लेकिन 3 महीने गुजरने दो, उसके बाद सब खत्म। कहां गए वो वादे? हमेशा ध्यान रखना, आप भूल सकते हैं लेकिन खुदाबंद कभी नहीं भूलते। वो देखते हैं कहां हैं ये वादे। और मेरी आपकी, हो सकता है सबकी हालत कहीं ना कहीं ऐसी हो, लेकिन खुदा रहम करे कि हम अपने वादों को याद रखें जैसे खुदावंद अपने वादों को याद रखते हैं। इसमें जितने वादे हैं दुल्हन के लिए, वो हां और आमीन के साथ लिखे हैं। खुदा कोई मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। हम और आप हैं जो फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, लौट जाते हैं, लेकिन मेरी बहन मेरे भाई, अब समय खुदावंद के साथ चलने का समय है। अब समय खुदा के साथ चलने का है। क्या आप सहमत हैं? क्या आप आमीन कहेंगे? प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो, खुदावंद का बड़ा धन्यवाद। आइए हम लोग खड़े होंगे और दुआ करेंगे। कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा, अपनी अपनी दुआ करें, मन में करें, चिल्ला के करें, कैसे भी करें, बस खुदावंत की ओर देखेंगे हम सब। आइए अपने होठों को खोलें। महान प्रभु यीशु मसीह, हम तहे दिल से आपका शुक्र करते हैं आपके बड़े रहम के लिए। महान खुदावंत प्रभु, वास्तव में आज आपकी दुल्हन को दुआओं की कितनी जरूरत है खुदावंत। आपके दास के द्वारा भी अभी इस उपवास की प्रार्थना के बारे में पता लगा, उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया कि आज दुल्हन को दुआओं की बहुत जरूरत है। खुदा किस तरीके से आपके नबी हमसे बातें करते हैं संदेशों के द्वारा। प्रभु वो कहते हैं कि आप गीत बहुत गा सकते हैं, आप बहुत बोल सकते हैं, लेकिन दुआएं बहुत नहीं कर सकते। प्रभु किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह सारी रात दुआओं को करते थे खुदावंद। ओ महान प्रभु, हम आपका शुक्र करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी आपके बड़े रहम के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए। खुदावंद आप कितने भले और अच्छे खुदा हैं।
हमारी दुआएं कबूल करें। ओ महान खुदावन, प्रभु आपने हमसे वादा किया है कि यह दुल्हन नहीं मरेगी। ओ प्रभु, प्रभु आप महान हैं। प्रभु जब वो शताब का समय एक प्रेशर दुल्हन के ऊपर, महान खुदावंद उस समय हमारे विश्वासों को मजबूत करना और उस समय खुदावंद उस खिंचाव में तीसरे में हम पहुंचने पाए, आपकी दुल्हन बड़े बड़े काम करने पाए महान खुदावंद। ओ प्रभु जी, ओ महान खुदावंद, शैतान को दूर करें अपने जीवन से, अपने घरों से। ओ महान खुदाम, आप ही हैं वो जो शैतान को लताड़ेंगे, आप ही हैं वो। ओ महान खुदाम, तारीफ हो, तारीफ हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु हमारे होंठ बंद न होने पाए, हमारे होंठों को खोलिए प्रभु जी। कैसे हम दिन भर तमाम बक बक करते हैं फालतू बातों में, और खुदावंद हम आपके लिए बस 5 मिनट हम दुआ नहीं कर पाते, 5 से 6 मिनट में हमारे होंठ बंद हो जाते हैं। ओ खुदावंद रहम करें कि हमारे होंठ खुल सकें प्रभु जी। ओ प्रभु कैसे आपने हमारे लिए हमारे नबी को भेजा खुदावंद, कैसे आपने हमें खुदावंद उन डिनोमिनेशनों से निकाला प्रभु जी। प्रभु हम आपका शुक्र करते हैं, कैसे आपने अपने दासों को चुना खुदावंद। ओ प्रभु समय समय पर कैसे आपने अपने संतों को, अपने भक्तों को भेजा खुदावंद, हम आपका शुक्र करते हैं। ओ महान खुदावंद, आप अपने बच्चों की दुआओं को कबूल करें प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हर एक होंठ खुला है प्रभु जी आपकी तारीफ में। ओ खुदावंद, जो भी नीड्स हैं खुदावंद आपकी ओर से पूरी होने पाए, इनकी हारी बीमारियां दूर हो, आप इस भवन में चलते फिरते हुए नजर आए। ओ प्रभु हम आपका शुक्र करते हैं, कमजोर विश्वास ऊंचे किए जाएं महान खुदावन, कमजोर विश्वास ऊंचे किए जाएं प्रभु जी। हमें आपकी जरूरत है खुदावन, आज हमें आपकी जरूरत है प्रभु जी। हम बहुत कमजोर हैं महान खुदावन, हम वास्तव में बहुत कमजोर हैं प्रभु जी, हमें आपकी जरूरत है खुदावन। प्रभु हम दुआ करते हैं डेली चर्च के लिए, दुआ करते हैं पंजाब में जितने चर्च हैं उनके लिए, दुआ करते हैं हमारे देश में जितने भी चर्च हैं, जो खुदावन जो मैसेज के चर्च हैं, उन सेवकों के जीवनों में खुदावन आ पाए। ओ अपने दासों में होकर आप काम करें, सारे चर्च रैप्चर के लिए तैयार होने पाए प्यारे खुदावन, अपने दासों को वो कलाम दे प्रभु जी। ओ महान खुदावन हम आपका शुक्र करते हैं, आपने खुदावंद अपने तमाम दासों को ओ खुदावंद कैसे इस्तेमाल किया। हमारे बड़े भाई आशीष लाल को आपने प्रभु जी एक बड़े रूप में इस्तेमाल किया, हम आपका शुक्र करते हैं प्रभु जी। भाई की कलीसिया के लिए
भाई के सारे चर्च के लिए खुदावंद, ओ खुदावंद हमारी मेहनतें, ओ खुदावंद आप कबूल करें, हमारी गलतियों को माफ करें, हमें आगे बढ़ाएं खुदावंद, कि कुछ रूहें जो आपने अपने दासों को दी हैं, प्रभु ईमानदारी से उनकी सेवा करें, और महान खुदावंद हम सब रैप्चर में पहुंचे प्रभु जी, हमारा उठाया जाना होने पाए प्रभु जी, आप प्रकट हो तो आपकी दुल्हन तैयार पाई जाए, ओ प्रभु जी अपने दासों को वो कलाम दे, हर एक पासवान को वो कलाम दे प्रभु जी, ओ महान खुदावन, ओ प्रभु जी तहे दिल से आपका शुक्र करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, किसी से कोई अदावट नहीं प्रभु जी, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं खुदावन, ओ प्रभु जी हमारा कोई दुश्मन नहीं है, कोई डिनोमिनेशन का हमारा कोई दुश्मन नहीं, इंसान दुश्मन केवल शैतान है खुदावन, जो हमारा पक्का दुश्मन है प्रभु जी, ओ महान खुदावन अपना रहम करें प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, दुआ करते हैं कि तमाम मिशनों में भी जो लोग हैं खुदावन, जो आपके सीड हैं, आपके बच्चे हैं प्रभु जी, ओ आखिरी दिनों में, ओ खुदावंद ये जो समय चल रहा है इसमें आपके दासों का संदेश सुन के वो निकल के आए, जो आपकी भेड़ कहीं आखिरी है वो खुदावंद वो निकल कर आने पाए खुदावंद, जहां कहीं भी है अपने दासों को वो वचन दे प्रभु जी, किस तरीके से खुदावंद आपने वो कल वचन दिया, ओ प्रभु हम आपका शुक्र करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके बड़े रहम के लिए, ओ प्रभु आपने बड़ा रहम किया महान खुदावंद, ओ प्रभु जी किस तरीके से खुदावंद एक बिलीवर चर्च में आता है, आने के बाद सुनता है चला जाता है, उसके बाद भी खुदावंद किस तरीके से आपके दास के द्वारा बताया गया फिर भी सीडलेस होता है खुदावंद, उसके पास कोई सीड नहीं होता, वो बरसों तक आता है और जाता है, उसके पास कोई सीट नहीं होता, वो बिलीवर कभी गर्भवती नहीं हो पाता, महान खुदावर रहम करें, ये हमारे चर्च के हर एक बहन भाई को गर्भवती करें खुदावन, आपके कलाम के द्वारा महान प्रभु, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ओ प्रभु शुक्र करते हैं आपके बड़े प्रेम और दया के लिए, महान प्रभु आपका धन्यवाद, तारीफ हो अब्राहम इसहाक और याकूब के खुदा, हम आपका तहे दिल से शुक्र करते हैं, ओ खुदावर रहम करें, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, ओ खुदावर रहम करें, ओ हालेलुया, तारीफ हो महान खुदावन, हमें विश्वास है प्यारे खुदावंद आप हमें यहां तक लेकर आए हैं, हम आगे भी जाएंगे क्योंकि आप हमारे साथ हैं, हमें विश्वास करते हैं, हर एक वो सच्चा बिलीवर ओ खुदावंद आगे बढ़ेगा क्योंकि आप उसके साथ हैं महान खुदावंद, और जब आप खुदावंद किसी के साथ होते हैं तो उसका बैरी कोई नहीं हो सकता, प्रभु हम आपका शुक्र करते हैं, जब यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन होगा, ओ खुदावंद हम शैतान की शक्ति को कुचलते हैं, यीशु मसीह आपके नाम से हर एक जीवन से उस शैतान की सामर्थ को निकाल देते हैं, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रहम करें प्रभु जी, शुक्र करते हैं, आमीन आमीन आमीन, धन्यवाद 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 प्रभु जी धन्यवाद, हालेलुया, तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो, ओ महान खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं, ओ महान खुदावंद जमीन और आसमान के खालिक और मालिक हम आपका शुक्र करते हैं, आपने हमें जीवित रखा हम आपका शुक्र करते हैं, ओ महान प्रभु जी आपकी दया करुणा हम सबके ऊपर बनी रहेगी, ऐसा हमारा विश्वास है खुदावंद, आपके सच्चे दासों के ऊपर आपकी करुणा बनी रहेगी, ओ खुदावंद आपके सच्चे लोगों के ऊपर आपकी करुणा बनी रहेगी, ओ महान खुदावंद आपका तहे दिल से शुक्र करते हैं, होने पाए प्रभु जी हमें अपना वचन दें,
वो वचन जिससे दुल्हन उड़ सके। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तारीफ हो, तारीफ हो। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। हम चाहेंगे कि चर्च में से समय को देखते हुए दो भाई और दो बहनें, पहले भाई दुआ के लिए आएंगे, उसके बाद दो बहनें आएंगी। ओ हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह आज की शाम के लिए। प्रभु आप हमारे बीच में आए हैं खुदावन, आपने हमसे कुछ बातें करी हैं प्रभु। ओ प्रभु होने पाए कि ये बांझपन हमारे अंदर से चला जाए लॉर्ड, हम आपके लिए चिल्ला सके प्रभु जी, हम आपके लिए आमीन बोल सके। ओ हमारी आमीन से शैतान का सिंहासन हिल जाए प्रभु, हमारी हालेलुया से वो शैतान का सिंहासन हिला दिया जाए प्रभु। ओ खुदावन हमारे हृदय उद्गारों से भरे हुए प्रभु जी, हमारे जीवनों में खुदावन एक आग लगी हुई है खुदावन, क्योंकि हमने उस सातवीं मोहर को खुलते हुए अपनी आंखों से देख लिया है। वो हमारे बीच में घटनाओं में होते हुए उतर आए हैं और इस बात को घोषणा कर रहे हैं, मैं तुम्हारे बीच में हूं। जैसे कि हम गीत गाते हैं, यीशु हमारे बीच में है और अब सब कुछ संभव है। मेरे भाई मेरी बहन, क्यों ना हम मांगे उस विश्वास को, क्यों ना मांगे हम उस तीसरे खिंचाव को। ये समय नहीं कि हम उस टीवी को, कूलर को, फ्रिज को और इन तमाम चीजों को जो जीवन से जुड़ी हुई हैं अपनी प्रार्थनाओं मांगते रहें, लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपने खुदा से सिद्ध विश्वास मांगें, हम अपने खुदा से तीसरा खिंचाव मांगें, हम अपने खुदा से उस रैप्चर में उड़ाए जाने वाले विश्वास को मांगें। ओ खुदावन बीते दिनों में आप हमारे बीच में थे खुदा, और आज की शाम भी आप हमारे बीच में हैं। कैसे खुदावन आप उस पीतल की वेदी और सोने की वेदी के प्रकाशन को खोलते जा रहे थे प्रभु, और इस बात को आपने हमारे सामने रखा, एकमात्र चीज जिसकी आज जरूरत है वो प्रार्थनाएं हैं, वो प्रार्थनाएं हैं, और कोई है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमारे सच्चे महायाजक, हमारे प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए पुस्तक को ले लिया, उसकी सातों मोहरों को तोड़ दिया लॉर्ड। ओ प्रभु ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता था लॉर्ड, कोई स्वर्गदूत इसे नहीं कर सकता था प्रभु, लेकिन आप इसे करते, आपने इसे हमारे लिए किया लॉर्ड। हम इस लायक नहीं थे प्रभु कि जेटा शहर में इस वचन को लेकर गया है, लेकिन आपने हमें छुन लिया, आपने हमें बाहर निकाला लॉर्ड। ओ किसी इंसान ने नहीं, आप आ गए प्रभु जी, ओ आपने हमें बाहर निकाल लिया प्रभु। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि इस एटा शहर में आपने हमारे लिए एक मनुष्य को खड़ा किया प्रभु, जिसने हमें बढ़ाया प्रभु। ओ खुदावन आपके नाम की तारीफ करते हैं प्यारे पिता। अब इस आगामी दिनों में जबकि शैतान बड़ी बाढ़ के साथ आएगा प्रभु, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पीछे यहोवा है, हम जानते हैं कि हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह है, हम जानते हैं कि हमारे बीच में वो सातवीं मोहर है जो हर एक चीज को हमारे बीच में से तोड़ सकती है, उस शैतानी चीज को हमारे बीच में से खत्म कर सकती है। ओ प्रभु कोई हमें आपके वचन से अब दूर नहीं कर सकता। कैसे रोमियो 8 में पौलुस कहता है, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा। और आज एक दुल्हन है प्रभु, अरे एक और पौलुस है प्रभु, अरे सेंट पॉल है प्रभु, खड़ा हुआ है प्रभु, और इस बात को आपसे हर बार कहता है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा, कोई हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। ओ खुदावन हमने आपको खुलते हुए देखा है, हम जानते हैं प्रभु, हम जानते हैं वो सातवीं मोहर क्या है प्रभु। और प्रभु इन बीते दिनों में आप घटनाओं में होते हुए हमारे बीच में चलते हुए आए खुदावन,
पहले हम नहीं समझ पाए प्रभु, लेकिन जब वचनों में जरूरत हुए आप हमारे सामने अपने आप को खोलने लगे तो हमारे मन उत्तेजित होने लगे, हमें इस बात का प्रमाण मिलने लगा कि हम खुदावंत के चुने हुए हैं। ओ खुदावंदारी हम पहले महसूस नहीं करते थे, लेकिन अब इस समय में वो बेदारी को हम महसूस कर पाते हैं, क्योंकि कोई है जो हमारे बीच में आ चुके हैं। ओ प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं का जो आज की शाम हमने करी आप उत्तर दें, जैसे कि लूका 18 में लिखा हुआ है, जब वो न्यायाधीश आएगा तो लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर बहुत जल्दी के साथ देगा। ओ प्रभु, वो न्यायाधीश आएगा नहीं, वो आ चुका है, और आज जितनी प्रार्थना है वो बहुत जल्दी सुनी जाएंगी, और रैप्चर अब बहुत जल्दी होगा प्रभु। ओ हम पर रहम करें, दया करें, अपने जीवनों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। आइए हम सभी लोग अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, वास्तव में आप महान हैं खुदावन, आपके जैसा कोई भी नहीं खुदावन, और आपके वचन में हमने पाया है आप सिद्ध गणित में होकर चलते हैं खुदावन। प्रभु जी, जब वो आपका भविष्य वक्ता मोहरों को प्रचार रहा था तो अचानक से अपने जीवनों की बातों को लेकर आ गया, और लोग सोच रहे थे कब वो साथी मोहर के बारे में बोलेंगे, लेकिन वो अपने जीवन के बारे में बोलते रहे खुदावन। प्रभु जी, आज एक ड्रीम के बारे में सुना, लेकिन जिस ड्रीम को आपने दिया उस ड्रीम को आपने कल ही हमारे लिए रख दिया। ओ प्रभु जी, वही शब्द जो आज सुने कि मेरी उपस्थिति में चल, वही शब्द कल हमारे सामने बाहर रखे गए। प्रभु जी, जैसे आप नबी के जीवन में थे, आज एक सेवक के रूम में, उसके जीवन के रूम में, उन घटनाओं के रूम में आते हैं और कलेशिया से बातचीत करते हैं। वो प्रभु जी, जो आज बताया गया वो पहले ही मसीह ने कल बता दिया। आप वास्तव में वही खुदा है जो आज कल युगों युग एक से है। वो प्रभु जी, जब मैं संदेश को सुन रहा था तो मैंने उस बात को याद किया कैसे ब्रदर जोसफ ने एक प्रार्थना के विषय पर बोला कि आप एक प्रार्थना में जाइए, और फिर उस ड्रीम को लिया और दोनों ही चीजें जोड़ दी, और वो प्रार्थना वाला विषय और वो मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, दोनों ही विषयों को जोड़ दिया। ओ प्रभु जी, क्या कल हम उस विषय को नहीं सुन रहे थे कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और आज मेरे पास एक प्रार्थना का विषय है जो पुलपुट से प्रचारा गया है, जो हन्ना के रूप में प्रचारा गया है। रूजी, वास्तव में आप घटनाओं में अपने आप को साबित कर रहे हैं खुदावन। रूजी, जब मैं संदेश को सुन रहा था तब मेरी निगाहें उस कैलेंडर की तरफ थी जो मेरे भवन में लगा हुआ है, और जब मैंने उसमें एक फोटो को देखा तो वो वही भाई था जो अक्टूबर के महीने में यहाँ इस भवन में बोल रहा था। ओ धन्यवाद यीशु मसीह, आप घटनाओं में हैं। ओ प्रभु जी, यदि उस कैलेंडर के उस भाग को, उस चीज को पढ़ा जाए तो वो भाई उसमें हन्ना के विषय में बोल रहा है। ओ धन्यवाद यीशु मसीह। ओ प्रभु जी, आज मैंने वही हन्ना के विषय में यहां से सुना है। ओ प्रभु जी, ये कल भी हो सकता था, कल भी हन्ना के विषय में बताया जा सकता, लेकिन प्रभु जी ये भवन की घटना है और इसे आपने इस भवन में पूरा किया। ओ प्रभु जी, उस कोर्ट में लिखा हुआ है कि दुल्हन के मरने का कभी भी लिखित प्रमाण नहीं है, और उसी बात को आज हमने यहाँ पुलपिट से सुना। ओ प्रभु जी, आप वास्तविक है खुदावन, आप इन चिन्हों को दिखाकर ये साबित करते हैं कि आप नबी तक नहीं रुके, आप नबी से आगे बढ़े और उन सेवकों में जा ठहरे, और वही सेवक
जब हम से बातचीत करते हैं तो प्रभु जी वो मोहर आज और भी साफ तरीके से खुलती जाती है, जिसे हम सातवीं मोहर कहते हैं। ओ प्रभु आप वास्तव में महान है, प्रभु जी आप बहुत कुछ खोल रहे हैं खुदावन। प्रभु जी बस मेरी इच्छा है खुदावन कि हमारे इस बांझपन को दूर कीजिए खुदावन। यदि हमारे जीवन के किसी हिस्से में ये बांझपन पाया जाता है तो आज मेरी आपसे विनती और प्रार्थना है कि आप इस बांझपन को दूर करें खुदावन। प्रभु जी संदेश में हमने कैसे सुना है खुदावन कि खच्चर कभी भी एक संतान को लेकर नहीं आ सकता, पर प्रभु जी आज आपकी दुल्हन खच्चर वाले स्थान में उस रूम में नहीं है खुदावन, ये तो आपके लिए हमेशा ही एक योग्य संतान को लेकर आएगी जो कि हमारा मसीह है। ओ प्रभु जी हो रे पाए खुदावन, जबकि यहां से बीज बोला गया और बीज कुछ और नहीं वो बीज मसीह है, तो होने पाए कि हमारे जीवन में मसीह दिखाई दे खुदावन, हमारे जीवन में मसीह बढ़े खुदावन। ओ प्रभु जी वो वचन का हिस्सा जो हमारा है खुदावन, वो वायदा हमारे लिए जाग उठे खुदावन। ओ प्रभु जी कहने के लिए बहुत सी बातें हैं खुदावन, पर समय को देखते हुए प्रभु जी हम चाहते हैं खुदावन कि हम आपकी उपस्थिति में चले खुदावन और सिद्ध होते चले जाए। प्रभु जी आपने हमें एक बेहतर विषय दिया खुदावन, प्रभु जी जब ये विषय आपने अब्राहम को दिया तो आपने उसकी देह को बदल दिया खुदावन। प्रभु जी आज ये विषय हमारे पास है, बोले पाए खुदावन कि जब ये विषय हमारे पास हमें मिला खुदावन तो हमारी भी देह बदलने पाए खुदावन। प्रभु जी सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, मिंदी प्रार्थना नासर यीशु के नाम में होकर मांगते हैं, सुनकर कबूल करें, आमीन। धन्यवाद देते हैं खुदा यीशु मसीह तमाम आशीषों बरकतों के लिए जो आपने हमें दी प्रभु। इस शाम की सभा के लिए खुदावन आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका रहम हुआ खुदावन कि आज हम सब यहाँ पर उपस्थित होने पाए प्रभु यीशु मसीह, और आप यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदा यीशु मसीह। खुदावन आज हम आपकी उपस्थिति को मौजूदगी को महसूस करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने इतना अच्छा संदेश आज हम सबको दिया प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते खुदावन आज हमारे दिल कठोर ना होने पाए प्रभु यीशु मसीह, पर खुदावन आप हमें एक नया मांस का हृदय दें खुदावन यीशु मसीह। प्रभु ये बात सच है खुदावन, आज यहाँ पे एक हन्ना मौजूद है प्रभु यीशु मसीह, आज एक मरियम यहाँ पर है खुदावन, वो सारा भी यहाँ पर है प्रभु यीशु मसीह, और खुदावन आप भी यहाँ पर मौजूद है मेरे खुदावन यीशु मसीह। खुदावन आपके लिए सब कुछ संभव है मेरे खुदावन यीशु मसीह। प्रार्थना करती हूँ खुदावन आपने कितनी हमारी बहनों के शारीरिक कोखों को खोला खुदावन, आज खुदावन आप हमारी आत्मिक कोखों को भी खोल दें प्रभु खुदावन यीशु मसीह। खुदावन हम इस मैसेज को इन वचनों को खुदावन रिजेक्ट ना करें, ये हमारे दिल से कहीं गिर के चले ना जाए प्रभु यीशु मसीह, पर ये हमेशा हमेशा के लिए खुदावन हमारे हृदय में बसे खुदावन यीशु मसीह, और प्यारे खुदावन हम आपकी तरह वचन बनते जाएं प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करती हूँ खुदावन आज हम भी एक उपरोटी कोठरी में खुदावन यहाँ जमा है प्रभु, हम कितने भाई बहन अलग अलग जगहों से प्रभु यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आप हम में से हर एक को प्रभु हमारी सारी कमियों को दूर करें प्रभु यीशु मसीह, और खुदावन अपने आत्मा से भरें प्यारे खुदावन यीशु मसीह। खुदावन ये बिदारी जो आपने हमारे बीच में भेजी खुदावन हम इससे चूके ना प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्यारे खुदावन आपका धन्यवाद देती हूँ, अपने सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, कोई किसी भी तरीके से गिर जाओ खुदावन शारीरिक तौर पे आत्मिक तौर पे खुदावन आप उसकी हिम्मत बने खुदावन यीशु मसीह, आप उसको खुदावन चंगाई बख्शें, और खुदावन प्रभु अपनी सारी आत्मिक आशीषों से बरकतों से मालामाल करें प्रभु हम में से हर एक जिन्होंने फास्ट रखे हैं खुदावन, और किसी को कोई स्पेशल रिक्वेस्ट खुदावन वैसे आपने आज हम सबको खुदावन एक विषय दिया है प्रार्थना का, प्रभु आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दें प्यारे खुदावन, हमारे पास्टर को हमारे पास्टर भाई आशीष को, और खुदावन हमारे इंदल पास्टर को खुदावन, हमारे सारे भाइयों को खुदावन आप बहुत आयत से बरकत दे प्यारे खुदावन यीशु मसीह, और खुदावन हम हर हमें से हर एक खुदा आपकी मिनिस्ट्री के लिए खुदावन हम आपकी सेवा करने के लिए आगे से आगे बढ़ें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इस प्रार्थना को मांगती हूँ।
धन्यवाद मेरे प्यारे खुदावन। एक बार फिर से पवित्र पिता, मेरे महान राजा, मैं इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदा। इस संसार में न जाने कितने लोग होंगे खुदावन जो बहुत ही धनी होंगे, बहुत ही खूबसूरत होंगे और बहुत ही काबिल होंगे, वरन खुदावन आपने हमें चुना और अपनी नज़दीकों में हमें लेकर आए। मेरे खुदा आप बहुत महान है खुदावन, आप बहुत दयालु हैं मेरे खुदावन। हम लोगों को चुनकर खुदावन आपने हमें ये बताया है खुदावन कि प्रभु आपने हमें चुन लिया है, प्रभु आप हमें यहाँ तक लेकर आए खुदावन, आप हमें रैप्चर दें खुदावन। मेरे खुदा मैं इस बात से तसल्ली खाती हूँ खुदावन कि आपने कहा कि मैंने इतनी सारी चीज़ें दी हैं तो रैप्चर की उठाए जाने की तैयारी भी देंगे खुदावन। मेरे खुदा वो विश्वास हमारे जीवन में आने पाए मेरे खुदा, हम प्रार्थना करते रहते हैं उस दबाव के लिए तैयार करें, उस दबाव के लिए तैयार करें। यकीनन खुदावन इस सरकार के द्वारा, इन शासन के द्वारा वो हमें दबाव दिखाई दे रहा है खुदावन, और प्रभु हम इस योग्य बनने पाए और बड़ी चतुराई के साथ जिस प्रकार से प्रभु उकाब की आंखें दूर से देख लेती है खुदावन और योजनाओं को बना लेती हैं, महान खुदा आपकी दुल्हन भी देख रही है खुदावन और उसके लिए तैयार हो रही है मेरे खुदा, और महान राजा वो चुपके से जल्द ही उठा ली जाएगी खुदावन, और इस सरकार को, इस शासन को पता भी नहीं चलेगा। और मेरे खुदा मैं आपका धन्यवाद देती हूँ भाई आशीष के लिए खुदावन, मैं धन्यवाद देती हूँ भाई पासवान जी के लिए, प्रभु आपने हमारे लिए चुना है, यहाँ से बेदारी है यकीनन खुदावन, यहाँ से रैप्चर है खुदावन मेरे खुदा। अगर वो रैप्चर ना होता खुदावन तो वो संदेश यहाँ ना आता, जाने कितनी डिनोमिनेशंस हैं, जाने कितनी संस्थाएं हैं खुदावन, ये गुण मन्ना, ये कठोर मन्ना खुदावन उन्हें समझ में भी नहीं आता है, उन्हें समझ में नहीं आता है वचन में क्या लिखा है, जबकि सीधा सीधा लिखा है खुदावन। आज भी आप एक जैसे हैं खुदावन, कल भी आप एक जैसे थे मेरे खुदा, सीधा सीधा लिखा है खुदावन, नबी आएंगे, भविष्यवक्ता आएंगे, सीधा सीधा प्रभु आपका पैटर्न कल भी एक सा था और आज भी एक सा ही है खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावन, ये इतनी आसान बातें उन्हें कठिन लगती हैं, मान खुदावन आपकी दुल्हन बड़ी अच्छी रीति के साथ इसे खा रही है खुदावन और बलवंत हो रही है मेरे महान खुदा उठाए जाने के लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ इस मीटिंग के लिए महान खुदा, मैं आपका बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ, आपने हम सबको तैयारी दी, बख्शा खुदावन और इस प्रभु बांझपन से हमें छुटकारा दे खुदावन। यकीनन खुदावन मैं जानती हूँ खुदावन के बहुत सालों पहले ये दुल्हन सिर्फ शादीशुदा थी प्रभु, गर्भवती नहीं थी, मैं जानती हूँ खुदावन हमारे चर्च में वो बीज आ चुका है खुदावन, हम गर्भवती पाए जाते हैं खुदावन मेरे खुदा, वो फल वो एग्जीक्यूट होगा खुदावन, वो समझ में सामने आएगा मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद देती खुदावन इन मीटिंगों के लिए प्रभु, मैं इन सभा को आपके बलशाली हाथों में देती खुदावन, हम घटे और आप बढ़े मेरे खुदा, हमारे जीवन से आपका नाम जलाल पाने पाए मेरे खुदा आप संभाले मेरे खुदावन इस मीटिंग को, बहन भाइयों को खुदावन संभाले, भाइयों को संभाले जो दिल्ली से आए, यहोवा ईरे आप उनका उपाय करें, उन्हें सुरक्षित लेके जाए मेरे खुदावन, आप उन पर रहम करें, इन सबको आपके भले हाथों में देती हूँ, शक्ति साली हाथों में देती हूँ खुदावन। ये छोटी सी प्रार्थना अपने उद्धार करता यीशु नासी के नाम में मांगती, दया से सुनकर कबूल करें, आमीन। जैसा कि हम इन दुआओं के बाद भजन संहिता को पढ़ते हैं और उसके बाद कुछ देर के लिए 5 या 10 मिनट के लिए अपने घुटनों पर जाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे बड़े भाई राजीव दास यहाँ पे आएं और भजन संहिता 23 को पढ़ें। बाइबल यहाँ पे है, आप आ जाइए। और अपने पास जगह बना लें कि आप घुटने टेक सकें, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो बैठ के भी अपनी दुआ कर सकते हैं, आप अगर वहाँ जगह नहीं है तो इधर उधर आप घुटनों पर हो जाएं, लेकिन पहले प्रभु के वचन को सुने उसके बाद हम घुटनों पर चले जाएंगे। भजन संहिता 23 को पढ़ेंगे और सब सुनेंगे, उसके बाद हम घुटनों पर जाएंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आमीन, आमीन। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। आमीन, हालेलुया। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है और वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के में मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर क्यों ना चलूं,
तो अभी मैं हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आमीन आमीन। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन आमीन। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। आमीन हालेलुया। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। हम सब अपने घुटनों पे आएंगे। जगह अगर किसी के पास ना हो तो वो जगह ढूंढ लें, और नहीं है तो आप बैठकर भी कर सकते हैं और अपने खुदावंद को याद करें 5 या 10 मिनट के लिए।
प्रभु यीशु मसीह, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद खुदावन। प्रभु आप हम सबकी मदद और सहायता करें। प्रभु हमारे विश्वासों को ऊंचा उठाएं, हमारी गलतियों को माफ करें। प्रभु अपने दासों को संभालें और वो वचन दें खुदावन, आज वो प्रचार आपके सेवक कर सकें। प्रभु जी खुदावन रहम करें कि हमारे विश्वास ऊंचे उठाए जाएं और कुछ रूहों को खुदावन तैयार करके आपके सामने आपके सेवक पेश कर सकें। प्रभु अपना रहम करें, हमें नम्र और दीन और हलीम करें खुदावन। केवल आप ही योग्य हैं, कोई भी योग्य नहीं प्रभु, केवल आप हैं खुदावन, केवल आप हैं प्रभु जी, केवल आप ही आदर और मान सम्मान के योग्य हैं प्रभु जी। जो कलाम आपने हमें दिया प्रभु जी अपने नबी के मार्फत, हम आपका शुक्र करते हैं, हम विश्वास करते हैं खुदावन, जैसा हमारे नबी ने हमें बताया किस रैप्चर संदेशों में है। प्रभु जी आपका तहे दिल से शुक्र करते हैं, अपना रहम करें हर एक बिलीवर भाई बहन के ऊपर। प्रभु हमारे गिरते विश्वासों का उपाय करें, बहुत से ऐसे हैं प्रभु जी खुदावन जो विश्वास में बड़े कमजोर हैं प्रभु जी खुदावन, हम भी कमजोर हैं प्रभु जी, हम सब कमजोर हैं खुदावन, केवल आप ही महान है प्रभु जी। आप हम सबको आगे बढ़ाएं प्रभु, आप हम सबकी अगुवाई करें, हमारे महान चरवाहे आप हमारे आगे आगे चलें, हम आपके पीछे पीछे चलें खुदावन। ओ प्रभु जी खुदावन इस पृथ्वी पर प्रभु जी हम अपना किंगडम नहीं प्रभु जी खुदावन, आपका राज का विस्तार हो, आपका राज्य आए। प्रभु अपना बड़ा रहम करें, हर एक बहन भाई को आपको देते हैं प्रभु, आपके सेवक को भी आपके हाथों में सौंपते हैं जो यहाँ पर हमारे यहाँ आए। खुदावन तहे दिल से धन्यवाद, हमारी गलतियों को, हमारे गुनाहों को जो अब तक हमसे जाने और अनजाने में हुए प्रभु जी एक बार फिर से क्षमा करें और माफ करें, दया करें प्रभु यीशु मसीह। गांव के लोगों के लिए प्रभु जी, तमाम बहन भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं, आप उनको संभालें, जहां कहीं आपके सेवक हैं इस पूरे वर्ल्ड में प्रभु जी, वहां खुदावन हम चाहते हैं कि आप अपने दासों की मदद और सहायता करें, अपना रहम करें, और तमाम उन कलीसियाओं के लिए भी प्रभु आप उन सबको संभालें, जितनी भी कलीसियाएं हैं, जितने भी सेवक हैं खुदावन, जितने भी चर्च हैं छोटे बड़े, सबके ऊपर महान खुदावंद आपका रहम हो। गरीब लाचार कंगाल विधवाओं के ऊपर भी आपकी बड़ी दया हो, ईमानदार लोगों के ऊपर आपकी दया करुणा बनी रहे प्रभु यीशु मसीह, आपके देश इसराइल पर आपकी दया करुणा हो प्रभु जी, आप रहम करें, आप अपने देश के साथ हो खुदावंद। प्रभु हम आपका तहे दिल से शुक्र करते, तमाम पशु पक्षी रेंगने वाले जंतु उनके लिए भी प्रभु हम चाहते खुदावंद आप रहम करें प्रभु, सबके ऊपर आपकी दया की दृष्टि बनी रहती है, आप कितने महान खुदावंद हैं, हम तहे दिल से आपका शुक्र करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, अपने स्थान पर अपने हाथों को उठाएं सभी लोग। ओ महान खुदावन हम आपका शुक्र करते हैं आपके महान प्रेम और बड़ी दया के लिए। प्रभु आप हम सबके ऊपर अपनी बड़ी दया बनाए रखें, हम आगे बढ़ें प्रभु जी, रहम करें, और प्रभु जी वो एक छोटा सा सताव खुदावन, ओ प्रभु जी फिर एक दुल्हन जो बोलेगी वो होगा प्रभु जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद उस समय के लिए खुदावन, हमारे कंधों को हमारे विश्वासों को मजबूत करना खुदावन, रहम करना, तहे दिल से आपका धन्यवाद, पूरा सम्मान आपको देते हैं, और ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होकर मांगते हैं खुदावन, दुआ को सुने और कबूल करे, आमीन आमीन। हम लोग खड़े हो जाए, हमारे पिता की दुआ करेंगे। हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे गुनाहों को माफ करें, हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदैव आपके ही हैं, आमीन। खुदावंत का रहम, खुदावंत की दया करुणा आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ होती रहे, आमीन।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की, मसीह की। अब थोड़ी देर आप बैठेंगे सभी, और बैठ जाएंगे सभी मेहरबानी से, खुदा आपको बहुत आशीष दे। और हमने टाइम से ही सब काम खत्म कर लिए खुदा के रहम से। अब कुछ हमारे पास गिफ्ट हैं तो वो हम चाहेंगे अपने अजीजों को देना। तो भाई शिवम, Praise the Lord. खुदावंत के नाम की तारीफ हो। हमारे बीच में खुदावंत के दास एक बार तालियों से स्वागत करेंगे। हम भाई को अक्सर सुनते रहते हैं, उनके वचनों से लाभान्वित होते रहते हैं, हालेलुया। और हमारे पास्टर के दिमाग में कुछ बात आई और वो कुछ आपको देना चाहते हैं, और मैं चाहूँगा कि दो भाई आ जाएं यहाँ सामने तो थोड़ा सा मदद लगेगी, और मैं अपने पास्टर से भी चाहूँगा कि वो भी सामने आ जाएं। और वो जो बड़ा वाला बॉक्स है भैया, वो आप ज़रूर उठा के ले गए। और मैं चाहूँगा भैया राजीव दास जी भी आ जाएं, और वो हमारे पास्टर के साथ मिल करके भैया को ये गिफ्ट दें। इधर थोड़ा और पकड़। हम लोग तालियां जरूर बजाएं। और इसको वहीं उसी जगह पर रख दें। सकते हैं। और मैं चाहूंगा हमारे बीच में भाई निश्चल हैं, प्लीज भैया आप आ जाइए। और छोड़ दो, छोड़। आमेन, आमेन, आमेन। दावत के नाम की तारीफ हो। और एक गिफ्ट हमने भाई मिस्टर जोशुआ के लिए मंगाया था, लेकिन वो चले गए, तो मैं चाहूंगा भाई बुआस आप आ जाइए और आप घर पर दे दीजिएगा प्लीज। मिस्टर बुआ, God bless you, God bless you। बैठ सकते हैं। और इसके बाद मैं चाहूँगा कि मिस्टर अनुग्रह एंड सिस्टर सारा आप दोनों लोग आ जाइए, क्योंकि कल आप लोगों का जो चीज़ थी उसके हम दे नहीं पाए थे और दिमाग से स्लिप हो गया था। तो मैं चाहूँगा सिस्टर आप भी आ जाइए प्लीज़। नाम की तारीफ हो। भाई एबनर मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, ओह सॉरी। कभी कभी ऐसा होता है, नजरें वहीं थी और भाई वहीं बैठे थे। और मैं सिस्टर रिमझिम प्लीज, और मैं चाहूंगा मेरी जो मम्मी है वो भी आ जाइए, क्योंकि घर पे फिर ये नहीं होगा कि तुमने मुझे नहीं बुलाया था, तो प्लीज आप आ जाइए।
और मैं चाहूंगा आप इधर आके खड़े हो जाइए, हम लोग तालियां जरूर बजाएं। और इसी के साथ हमारे बीच में हमारे प्रिय भाई राजीव दास जी हैं, उनको भी पास्टर जी कुछ देना चाहते हैं। प्लीज भैया आप सामने आ जाइए। हमारे चर्च के एक विशेष भाई हैं, तालियों से हम स्वागत कर सकते हैं। आमीन, आमीन, गॉड ब्लेस यू। सो खुदावंद के नाम की तारीफ हो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, मसीह की हमारे बीच में। और अब बस समय आ रहा है मेरे भाई मेरी बहन, हम यहाँ रहेंगे नहीं, यहाँ से हम चले जाएंगे। हालेलुया। आप लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं और उसके बाद नीचे भोजन की तैयारी है, वहाँ हम सब लोग चलेंगे। सबको प्रेस द लॉर्ड। नीचे जब चले जाएं तो प्लीज खाने पे एकदम ना जाएं, क्योंकि दुआ होगी खाने के लिए, तो एकदम खाने पे ना चले जाएं।